ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ओके जी ठीक है जी संदीप बांसल जी शुक्रिया पी एस टेट का रिजल्ट आ गया है बहुत सारे बच्चों का क्वालीफाई होगा अनुबाला जी बहुत बहुत मुबारक अनुबाला जी 100 मार्क्स बने ने जिन्हों का नहीं होया कोई चक्कर नहीं नैक्सट टाइम ट्राई करो ठीक है निराश नहीं होना है कहते हैं भी कदे कदे जोड़ा ताला है वो आखिरी गुच्छे की चाबी फुलदा होंगे है इदा की करके कहावत है तो लगातार मेहनत जारी रखियो सारे बच्चे ठीक है जिन्हों का नहीं क्वालिफाई जिन्हों का क्वालीफाई उन्होंने बहुत बहुत सारिया मुबारक तो एक बार मैं फिर तो गुरुकुल इस दे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सारे का स्वागत करता हाँ मास्टर कैडर की बैच अपना हुण चलेगा ठीक है जी मास्टर कैडर का और डेमो क्लासिज आप लावांगे अज आप सिलेबस डिस्कस करना है कोई गल नहीं जी अनुबाला जी ठीक है सिलेबस डिस्कस करांगे आपां अज मास्टर कैडर दा देखो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी चुके ने मास्टर कैडर बहुत सारे बच्चों नूं पता भी है जिहड़े बच्चे नवे ने मान लो जिन्हां दा टैट क्वालीफाई होया है उन्हां नूं सिलेबस बारे थोड़ा जानकारी नहीं है तो पहला मैं सोचा बच्चों नूं जानकारी दे दईए सिलेबस की काफ़ी सारे बच्चों के मैं मैसेज आए थे वट्सएप पर सर सानूं सिलेबस जरूर प्लीज़ दस दो मास्टर कैडर का ओके जी संदीप बांसल जी कोई गल नहीं नहीं अनुबाला जी तुसी आप बहुत हार्डवर्क किया है ठीक है मैं तो थानू करवाई है जो भी करवाया तुसी गेन किया है ते तो हाड़ा बहुत एफर्ट हरप्रीत सिंह ETT 114 एनी चांस जी देखो हरप्रीत सिंह जी हाले कुछ कह नहीं सकते 114 बन रहे ने हो सकता है तुहाड़ा नंबर आ जाए आना चाहिए है मैनू जी हिसाब दे नाल लगता पिया है बट होप जरूर रखियो उम्मीद रखियो सारे बच्चे हरप्रीत सिंह 114 ETT कैडर च बन रहे ने तुहाड़े हाँ EWS एनी चांस देखो कि गौरमेंट किन्नी कु मैरिट कटती है पेपर तो हुंदा है हुण पटवारी का पेपर होया है बहुत बहुत ईजी पेपर से उहदी मैरिट हाई जाऊगी तुहाडा कैडर का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड सी तां मैरिट लो जाएगी हुण देखो किन्नी कु मैरिट जाती है वो डिपार्टमेंट के उत्ते है किन्नी कटते हैं संदीप कुमार संदीप कौर जी सत श्री अकाल प्रियंका वर्मा हैलो जी प्रियंका वर्मा जी ठीक है तो हौसला नहीं छड़ना कोई चक्कर नहीं अप्स एंड डाउनस आते रहते हैं जिंदगी अजक वे वे क्रिकेटर वे वे स्टार मान लो धार्मिक संस्थान पर जाने जान लग पे है ना मोटिवेशन वास्ते भी अप्स एंड डाउन सानू क्यों आ रही है प्रियंका वर्मा जी तुहाडा कैटेगरी की है कैटेगरी तो है ना भी किस कैटेगरी से कितनी मैरिट जाती है तो मोटिवेशन अपने आप तो ही बंदा लेंदा है आप दियां पिछलियां जिन्होंने वो उन्हें कोई मिस्टेक की है या उन्हें कोई कमी छड़ी है ठीक है आप दे आप तो इलावा बंदे नूं कोई होर मोटिवेट नहीं कर सकता मेरा तो यही मानना है ठीक है जी तो शुरू करते हाँ अज आप मास्टर कैडर का जिहड़ा अपना सिलेबस है ओके मास्टर कैडर का जिहड़ा सिलेबस है वह आप शुरू कर लगे हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड आप पी एस टैट के किया समा जिहड़ा एक अध्यापक है वह इतिहास बारे दस रहा था किस चीज़ का समा ग्राफ डिपार्टमेंट ने समा सारने सही किया है वैसे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन अपने आए ने जनरल प्रियंका वर्मा 105 देखो जी की बंदा है हाले मैरिट का कुछ कह नहीं सकते किन्नी कुछ आएगी मैरिट का तो डिपार्टमेंट के उत्ते है किन्नी मैरिट वो कढ़ता है डिपार्टमेंट ठीक है करिए शुरू फिर मास्टर कैडर का सिलेबस अज मैं डिस्कस करवा रहा कल तो अपनी डेमो क्लासिज है सारे बच्चे जरूर आना इसे टाइम 3:15 बजे ही अपनी क्लास होएगी ठीक है जी 3:15 बजे ही अपनी क्लास होएगी तो सारे बच्चों ने जरूर आना है ओके चलो जी सोशल स्टडी SST
मास्टर केडर का जिहड़ा सिलेबस है वह आप है डिस्कस कर रहे हाँ। ओके मुस्कान थैंक यू। पास नाल सिख के हाँ जी संदीप बांसल मेरा हमेशा का रूल रहा है चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाना मैं ऑनलाइन पढ़ाना मैं ऑनलाइन इन क्लासिज लाइया है तुम कदे देख लियो भी मैं कदे कोई मोटिवेट मोटिवेशनल कोई स्पीच दी हो या मोटिवेट कदे बच्चों को किया मैं कदे नहीं करता कदे भी नहीं करता ठीक है क्यों क्योंकि आपू ही पता हों हूँ तहानू पता है भी साढ़ा क्वालीफाई हो गया पी एस टैट तो जिनी ज़्यादा मेहनत करा उन्ना ही ज़्यादा सानू फायदा है तो यह गल मैनू शायद कहने की लड़ नहीं ये थानू मेरे नो बैटर तुम आप जानते हो करते ओके प्रियंका वर्मा जी तुम मैं जरूर दस देना की प्रॉब्लम आ रही है तुम ऐप के ठीक है ऐप के की प्रॉब्लम आ रही है मैं कॉल कर देना कोई चक्कर नहीं थोड़ी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा ठीक है जी चलो एस एस टी आप सोशल स्टडी की बारे आप मान लो एस एस टी या सोशल स्टडी एक गल है वो बारे डिस्कस करा पहला है पोलीटिकल यानी कि राजनीति शास्त्र जिन्हों कहने हूँ पोलीटिकल साइंस की आप गल करिए कुछ आता है मास्टर कैडर के ठीक है सेंटर गौरमेंट पहला है ये मैनशन की हुई ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पहले दसो थैंक यू अनुवाला जी बहुत शुक्रिया ये मैं ऐदा क्यों लग रहा है भी तुहानू दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा पहला केड़ा सब्जेक्ट हिस्ट्री है हिस्ट्री शुरू करांगे पहला आपां ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है थोड़े क्वालिटी बढ़ा लेना यह दिखना चाहिए है मेरे हिसाब नाल ठीक है दिखना चाहिए है ओके जी सेंटर गौरमेंट पहला आप गल करते हाँ सेंटर गौरमेंट की जाहिर जी गल पहला सेंटर गौरमेंट की ही गल करनी पेगी काजल अस्तोरा जी राम राम जी दिख रहा जी ओके ठीक है सेंटर गौरमेंट की आप गल कर लिए आ गया पार्लियामेंट संसद जी कहने हो ठीक है संसद के लोक सभा और राज्यसभा यू नो वेरी वैल बहुत अच्छी तरह जानते हो ठीक है सेंटर गौरमेंट का पार्ट है वो पार्लियामेंट आ गई संसद संसद की आती है लोक सभा राज्यसभा एक तो यह है ठीक है दूजा है प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया ठीक है जी दूजा पोर्शन केड़ा है प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट फंक्शन एमरजेंसी पावर्स एट बेसिक लेवल ठीक है इन्हें बेसिक लेवल की है प्रेजीडेंट का वह आप करा अपॉइंटमेंट है फंक्शन है एमरजेंसी पावर्स जड़िया है ठीक है वह प्रेजीडेंट दे आ गई ठीक है एमरजेंसी प्रेजीडेंट ही लाऊंदा है ना वैसे अजकल इदा नहीं हुंदा पहला की हुंदा सीगा प्रेजीडेंसी की सॉरी मान लो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की है सीधा ही फोन करके एमरजेंसी ला देंगे ने भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता अजकल नहीं आर्टिकल चेंज हो गया आर्टिकल 352 का तीजा पार्ट की है 352 आर्टिकल है वह तीजा भाग की कहता है जदों तक मंत्रीमंडल ये लिख के नहीं दे दिंदा भी एमरजेंसी लाउनी है उदों तक प्रेजीडेंट राष्ट्र जिहड़ा राष्ट्रपति है प्रेजीडेंट है वह एमरजेंसी नहीं लगा सकता ठीक है जी तो एक आ गल आ गई फिर है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जिहड़े मंत्री ने प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री आ गया उस बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कैबिनेट जिहड़े मंत्री ने ठीक है उन्होंने अपॉइंटमेंट उन्होंने फंक्शन आप है करने हैं ये थोड़े सिलेबस के मास्टर कैडर ठीक है जी अगे स्टेट गौरमेंट आ गई अगे की है स्टेट लैवल गौरमेंट मतलब स्टेट गौरमेंट का जिक्र किया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट राज का एक राज्यपाल हुंदा है गवर्नर हुंदा है वो बारे
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਅਪ ਕੌਣ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਨੋਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ UNO ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ UNO, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ, ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ PSTET ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੂੰ ਸੈਨਿਕ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਰਮਾਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, UNO ਐਂਡ SAARC, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸਤੇ। UNO ਐਂਡ SAARC ਕੀ ਹੈ, UNO ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 193 ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। UNO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ UNO ਬਣਾਈ ਗਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲਗਭਗ 193 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, SAARC ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, SAARC, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗੁੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ CAA NRC ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਓਰਗਨਸ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਓਰਗਨ, ਅੰਗ ਕੀ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ,
ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਇਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਇਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਕੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 34 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 33 ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ 33 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਗੈਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲਾਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਰਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਰਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 32 ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ RTE ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ RTI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RTI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ RTI ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਆਫ ਗਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਗਏ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀਜ਼ਮ
नहीं आ इहदे विच नहीं आएगी, प्लीज आ लाइन कट देना, आ लाइन कट देना इहदे विच नहीं आएगी। अगे थेरीज आ गई, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीजिम। थेरियां केड़ियां केड़ियां ने, केड़ी केड़ी थ्योरी तुहाडी पॉलिटिकल दे विच मास्टर कैडर विच, उदारवादी, मार्क्सवादी अते गांधीवादी, एक ही है तीन थ्योरीज तुहानू लगियां होईयां ने। ठीक है, आ लाइन जिहड़ी मैं कट्टी है इहदे ते गौर एक बारी ना करना, ये अगे आनी चाहीदी सी। चलो नैक्सट, ओके चलो जी नेक्स्ट करते हाँ आप। अगे मैं लिखा रहा तुहानू, ठीक है अगे लिख लेना, ओके फंडामेंटलाइज तो बाद अठवें नंबर ते है UNO, ठीक है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैं दस चुका हाँ तुहानू। ठीक है UNO बारे जिन्ना सारा डिटेल है वो भी करांगे, इंडिया का की रोल है, ठीक है इंडिया रोल ऑफ इन UNO, भारत का की रोल है UNO दे विच, ओदी जानकारी तुहानू होनी चाहिए है, ते ये तुहाडा हैगा है सिलेबस दे विच। नौवें नंबर ते है इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम, इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघात्मक प्रणाली, पंजाबी विच इहनूं की कहा जाता है भारतीय संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली। ठीक है ये तुहाडे पोलिटिकल साइंस दे विच की है सिलेबस दे विच हैगी है। ओके नेक्स्ट है भी फीचर्स ऑफ, एरिया फीचर्स आ गई, फीचर्स अंग्रेजी स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है, अंग्रेजी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ये तुसी चेक कर लेना प्लीज। एरिया फीचर्स आ गई, ठीक है जी, ते एदा संबंध की है, मतलब केंद्र अते राज्यां दा संबंध की है, एदे विच ही आए सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है कोमा पाके लिख लेना सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, स्टेट रिलेशन, स्टेट रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है इंडियाज फेडरल सिस्टम, भारतीय संघात्मक प्रणाली, ठीक है वैसे हैगा किया जाता है बट कहते भी है नहीं, ठीक है भी कहते है नहीं। अजय लुकरिया जी नमस्कार जी, मैं कमेंट्स शो करा दो ना, ठीक है ओके धन्यवाद अजय लुकरिया जी। अगे है इलेक्शन प्रोसीजर, अगे की है इनू लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक है इलेक्शन प्रोसीजर, आगे की है इलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है जी इलेक्शन प्रोसीजर लिख लो, इलेक्शन प्रोसीजर।
ठीक है जी। इलेक्शन प्रोसीजर, एदा मीनिंग ऑफ इलेक्शन, मीनिंग ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, मीनिंग ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस का मीनिंग मतलब इलेक्शन किवें होएगा, अर्थ की है इलेक्शन का, प्रोसेस का अर्थ की हैगा है। ओके ये फैक्टर, ये फैक्टर तत्व की है ने। ओवरऑल आप जो गल करिए इलेक्शन प्रोसीजर जिन्ना भी है, किन्ने चोण कमिश्नर होंगे ने, किस तरह इलेक्शन होएगा, नवीं पार्टियां वगैरह बन दिया ने उन्होंने चोण निशान कौन दिता है, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह दिता है। ठीक है, तो इलेक्शन का जो सारा सिस्टम है वह ये आ गया, वर्ड ही आ गया इलेक्शन प्रोसीजर, चोण प्रक्रिया जिनी भी है वो तो सिलेबस के हैगी है। नैक्सट ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल, मतलब मैं सीधा ही लिख रहा हाँ 11वें नंबर से, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, पूरी दी पूरी डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन दी, संविधान दी कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल। ठीक है, ये आ गई मान लो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रियम्बल जी आ गई। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। नैक्सट नैक्सट आ गए थोड़े कॉन्सैप्ट, कॉन्सैप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब लॉ, कानून आ गया, लिबर्टी, लिबर्टी एंड जस्टिस। ठीक है, लॉ लिबर्टी एंड जस्टिस एक ही है तुहाडे कॉन्सेप्ट ने। इक्वैलिटी मीनिंग एंड बेसिक लेवल, इक्वैलिटी मीनिंग एंड बेसिक लेवल ये ही आएगा, इक्वैलिटी मीनिंग एंड बेसिक लेवल, मीनिंग एंड बेसिक लेवल, बेसिक लेवल अते मीनिंग की है। ठीक है, इक्वैलिटी का किदा, इक्वैलिटी का वो तुहाडे सिलेबस दे विच की है, मेंशन हैगा है। नैक्सट कर रहे हैं आप पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया अगे इस ठीक है लिख लिया होगा तुसी, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी सिस्टम इन इंडिया अगे नंबर पा लेना कितना नंबर सीगा, बस लास्ट जे आई है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, पार्टी इंडिया विच पार्टी सिस्टम दा की है, बहुत कई सारिया पार्टीज है। ठीक है, अजिही केड़ी पार्टी है, क्वेश्चन आया सी पी एस स्टेट के करंट जीके का क्वेश्चन सी, अजी केड़ी पार्टी है जिन्हों मान लो राजनीतिक मानता जी है राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानता रद्द कर दी गई है। ठीक है, आंसर जरूर देना जो बच्चे देख रहे हैं कि तुसी ला के आए सीगे। फीचर्स एदिया फीचर्स हो गई पार्टी सिस्टम दियाँ। ठीक है, फीचर्स विशेषतावान हो गई पार्टी सिस्टम दियाँ, की विशेषतावान ने भारतीय पार्टी सिस्टम के। ठीक है, नैशनल पोलीटिकल पार्टीज, ठीक है नैशनल पोलीटिकल पार्टीज केड़िया ने, उन्होंने विस्तार बारे कदों बनिया सीगिया, कदों होंद विच आईया है, कदों राष्ट्रीय दर्जा मिलिया है उन्होंने, नैशनल पोलीटिकल पार्टीज, पोलीटिकल नैशनल पोलीटिकल पोलीटिकल पार्टीज केड़िया ने इंडिया के। चलो जी नैक्सट आप करांगे रीजनल पार्टीज ऑफ योर स्टेट,
मैं तुक्का लगाया से सही गया। अच्छा इकबाल सिद्धू जी, क्या बात है, फिर तो बहुत गली बढ़िया गल है। रीजनल, रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज का मतलब हो गया खेतरी पार्टी जड़ियां हो गई। हूँ स्टेटा के पार्टीज होंदिया ने, जिमें अपने अकाली है, ठीक है। यूपी की गल करिए समाजवादी पार्टी है, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज जड़िया होंदिया ने, रीजनल पार्टीज ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर स्टेट। रीजनल पार्टी का पता लग गया होगा, कि तुम्हें पता ही होगा पहला तो, नहीं पता तो दोबारा तो मैं दस दिना। रीजनल पार्टीज मतलब स्टेटा के जी पार्टी होंगी, हूँ अकाली है, श्रोमणी अकाली दल है, स्टेट की है, नैशनल लैवल की नहीं है, ठीक है। उस तरह समाजवादी पार्टी होगी, ठीक है, ये बसपा वगैरह होगी। ओके चलो, मैं साइड से उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लो तुसी। ओके नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन लेवल, नंबर पा लेना तुसी। लास्ट ए अपना पोर्शन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र किसदा, अर्बन अते रूरल जड़ा हुंदा है। प्रियंका वर्मा सर प्रेशर ग्रुप भी करवा दियो लेक्चर च, आही आऊगा टॉपिक प्रेशर ग्रुप। ओके जी, कादे विच है प्रेशर ग्रुप? तां पॉलिटिकल साइंस दे विच तां नहीं आया मेरे अगे। डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन लेवल, एट रूरल एंड अर्बन लेवल। ठीक है, अर्बन रूरल मतलब पेंडू, अर्बन मतलब शहरी, शहरी पेंडू जिहड़ा लोकतंत्र है, कहने का मतलब लोकल गवर्नमेंट जिन्हों कहने। मुकदी गल दे शॉर्ट फॉर्म च दसा तो लोकल गवर्नमेंट के बारे की है विस्तार नाल तुसी की है इहदा जाणोगे, ठीक है, या जान चुके हो या जानना है, तुहाडे सिलेबस दे विच है। मेरा कहने का मतलब ये हैगा है, ठीक है। इन्हां दीआं जड़ां ओह ग्रूट वाली लाइन इत्थे आनी सी वी, इन्हां दीआं जड़ां किन्नियां की मजबूत हैगियां ने, कित्थों तक आई, ठीक है। थियरीज अपनी हो गई, ये लास्ट सीगा भी। फीस भराओ लैक्चर कैडर वाली जी पहला, संदीप बंसल। हाँ जी संदीप बंसल मास्टर कैडर है, बिल्कुल, ये मैं मास्टर कैडर लेवल ही दस रहा सीगा, ठीक है जी। चलो ओके जी, नेक्स्ट, ये अपना जिहड़ा मैं दस्सिया है ये पोलिटिकल दा तुहाडा सिलेबस है मास्टर कैडर दा। हुण मैं तुहानू हिस्टरी बारे दस रहा, तुहाडी हिस्टरी दे विच की कुछ आएगा, जे जियोग्राफी भी है, जेकर कोई बच्चा जियोग्राफी दा स्टूडेंट है तां प्लीज़ मैनू दस सकदा है, ठीक है। ये साढ़े देख लो जी मास्टर कैडर 2023 लिखिया, वैसे जिहड़े भी मास्टर कैडर दे अचीवर्स हैगे ने साढ़े 2023, हाँ जी 23 ही आएगा बिल्कुल, ये अचीवर्स हैगे ने साढ़े, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हिस्ट्री आ गया भी, आ लो जी हिस्ट्री। ओके जी प्रियंका वर्मा भर दांगे जी, कोई चक्कर नहीं। SST कंसाइडर नहीं किया बोर्ड वालिया ने, अच्छा धरने तो जाके कंसाइडर कर जी, धरने तो पूछो ही ना यार, बहुत डांगा टीचर्स नू जिन्हें मार पैंदी है, मैनू लगता है कितने किसी नू नहीं पैंदी। चलो जी, ज़्यादा टाइम आप लाते हुए अपना पहला भी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो हिस्टरी का की सिलेबस है तुहाडा, इतिहास का की सिलेबस है तुहाडा मास्टर कैडर दे विच, मास्टर कैडर दे विच इतिहास का तुहाडा की सिलेबस है। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, पंजाब दीआं भूगोलिक विशेषतावां,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 10 ਗੁਰੂਸ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਰੀਜਨ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ, ਓਰੀਜਨ ਮਤਲਬ ਉਤਪੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀ ਲਾਈਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ 1839। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 1839 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਦਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਅਨੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੈਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਵਿਲੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦਾ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਓਰੀਜਨ, ਡੇਟ, ਐਕਸਟੈਂਟ, ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਐਂਡ ਦ ਕੋਜ਼ਸ ਆਫ ਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਡਿਕਲਾਈਨ, ਪਤਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਚਲੋ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਮ ਆਫ ਦਾ ਆਰੀਅਨਸ, ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਦਾ ਮੌਰੀਅਨਸ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਾਜਾ 2 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਪਤ ਆ ਐਮਪਾਇਰ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਐਂਡ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾ ਇਹੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਪਤਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਵੰਸ਼। ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਕੰਪੇਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਵਰਧਨ ਵੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਯ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਦ ਨਿਊ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕਿੰਗਡਮ, 700 ਤੋਂ 1200, ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਜਵੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਥਾਨ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਦਾ ਖਲਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਤੁਗਲਕਸ, ਦੀ ਸੈਯਦ ਐਂਡ ਦੀ ਲੋਧੀਸ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਗਲਕ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਹੈ,
लोधी वंश है, ठीक है, पूरी दी पूरी दिल्ली सल्तनत आ गई। द पीएस स्टेट का सिलेबस है वैसे, था द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का उत्थान किमें होया, किमें विकास होया, लाइक बाबर तो लैके औरंगजेब कह लो या बहादुर शाह जफर तक कह सकते हो तुसी, ठीक है, मेन तो औरंगजेब तक है, बाकी का नाम मात्र राजा सीगे। चलो जी नैक्सट है द इस्टैबलिशमेंट ऑफ पावर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, किस तरह एस्टैबलिश हुई सी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत के विच उसने किस तरह जड़ां मजबूत कीतियां आप, ठीक है, उदू बाद प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध हैगा है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, उहदे कारण घटनावां प्रभाव अते फेलियर, क्यों फेल हो गया सीगा, ठीक है, 1857 का विद्रोह यह हैगा है अगे, ठीक है जी, पार्ट सी आ गया अगे, पार्ट सी, कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया, हाँ जी थोड़ा जहा मिसिंग है, प्लीज सही कर लेना, ठीक है, मैं इधर लिख रहा, देखो इवेंट्स आगे थोड़ा सही नहीं है, इस लाइन दे थले, इस लाइन दे थले आ लाइन लिख लेना, एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ये तो बहुत जरूरी टॉपिक है, एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, उस लाइन दे थले एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है, किस तरह की एजुकेशन सी अंग्रेजी साम्राज के समय इंडिया की, हाँ जी खुशबू वर्मा जी बिल्कुल, मेरा तो क्वालिफाई था ही, गॉड गिफ्ट बिल्कुल, मास्टर कैडर की पोस्ट इस साल के विच आएगी ही आएगी, तो जिनी ज्यादा तैयारी करोगे उन्ना ही फायदा है, खिंच दो काम नूं, ठीक है जी। द नैशनल मूवमेंट बई, दूजे इस लाइन लिख लो, द नैशनल मूवमेंट, नैशनल मूवमेंट 1885 तो 1947, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन या राष्ट्रीय अंदोलन कह देंगे आप, राष्ट्रीय अंदोलन 1885 तो लैके 1947 तक, वो पिछे ये लिख लेना, ओ उस लाइन के थले अगे पार्ट सी आ गया वर्ल्ड हिस्टरी का, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज रेनेंसे एंड रिफॉर्मेशन, मतलब पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, ठीक है, वर्ल्ड हिस्टरी के चार पांच क्वेश्चन ठोक रखे सी पीएस टेट के विच जिहड़ी सिलेबस ही नहीं है, बिल्कुल मनोज दी मां जी बिल्कुल ठीक है गया जी, गुड इवनिंग, मास्टर कैडर की पोस्ट आएगी गॉड गिफ्ट जी। अगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सैकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कारण एदिया घटनावां की प्रभाव पिया, ठीक है, ओके, ते ए अपना अज का सिलेबस सीगा, कल नू आपां मिलांगे, डेमो क्लासेस सारे बच्चे जरूर लायो, ठीक है जी, ते एक टॉपिक दे स्पेसिफिक टॉपिक नू लैके आपां कोई गलबात करांगे, चर्चा करांगे, ठीक है, वो कल ही पता लगेगा कि टॉपिक ते आपां गल करनी है, उम्मीद करदा हाँ समझ तुहानू आया होएगा, जिन्हां बच्चों सिलेबस बारे नहीं पता सीगा अज पता लग गया होएगा, बाकी मैं कॉल्स आईया सी, मैसेज आए सी बच्चों के, सर सिलेबस बारे प्लीज़ जरूर डिस्कस करना, तो मैं चलो अज सिलेबस बारे डिस्कस ही कर लें, हाँ ओके जी, थैंक यू सारे का, मेहरबानी शुक्रिया जिन्होंने देखा है आपका कीमती कीमती समा कट के, देखो समा कीमती है तुहाडे वास्ते भी मेरे वास्ते भी, ठीक है, तो जिन्ना ज़्यादा हो सके आपां तैयारी करांगे जिन्नी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, खूब मेहनत करांगे लाइक पी एस टेट के विच जिवें आपां कीता सी काम नूं, ओके ठीक है, प्लीज़ थंब इंप्रेशन कर देना जिन्हां नूं पता लग गया, जेकर किसी नूं नहीं पता लग्गिया तां प्लीज़ हुणे कमेंट करके मैनूं दस सकदा है। इकबाल सिद्धू जी ने जो मैसेज किया सी प्लीज़ मैनूं कमेंट बॉक्स के विच लिख देना यूट्यूब दे विच, ठीक है जी, मैं चैक कर लूँगा तुसीं की कहना चाहते हो, आंसर दे दूंगा तुहानूं, ठीक है जी, ओके, कल तो मास्टर कैडर की तैयारी शुरू करांगे आपां।
एक मिनट चलने देना। अच्छा प्रियंका वर्मा जी, आप भी कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर देना जो भी प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू संदीप बांसल जी। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना तो प्लीज कमेंट करके दस दिया करो। मैंने बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देने, कमेंट मैं देखता ही हूं ना, हरेक बच्चे के कमेंट्स मैं देखता रहना। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ डाउट पूछते हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम दसते हैं, तो मैं उन्होंने सोल्यूशन कर देना। पहला कि टॉपिक होगा जी संदीप बांसल, हो तक कल ही देखते हैं कि करते हैं। ठीक है, कल ही देख लेंगे। ओके ठीक है जी, थैंक यू, सारे का बहुत शुक्रिया, मेहरबान।